बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे बड़ा जो डर हमारा रहता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आपने कम भी पढ़ा है और आपको डर है कि आपको अगर वैसा ही प्रश्न पूछा जाएगा जो आपको नहीं आता है, तो उसको कैसे बनाना है, कैसे सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहला बोर्ड एग्जाम में आपको जो लक्ष्य रख के रखना है कि आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, चाहे आपको आए चना है। तो सबसे पहला आपको कम करना है, जो आता है वो बना लीजिए, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो बना लीजिए। और उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम करना है तो आप पहले क्वेश्चन में शर्त पढ़ लीजिए कि आपको क्या कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो बोर्ड एग्जाम में जो मतलब कि चार पे दो बनाने के लिए देता है, पांच पे तीन सवाल बनाने के लिए देता है, तो ये छूट भी आप देख लीजिए इस छूट के अनुसार जो आप पूरे सवाल बना पा रहे हो कि नहीं। उसके बाद अगर कोई सवाल बच जा रहा है नंबरिंग के हिसाब से, ये सवाल एक सवाल हमें और बनाने चाहिए, तब जाके हम 100 मार्क्स का क्वेश्चन बना लेंगे। तो उसमें आप अब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखिए क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले वो किस टॉपिक से, सबसे पहला वो टॉपिक देखिए, उस टॉपिक देखिए किस टॉपिक से। उसके बाद जो टॉपिक के अनुसार अगर आपको नहीं आ रहा है उसमें कुछ भी चीज, तो लेकिन अगर आप उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत कुछ भी जानते हैं तो आप लिख दीजिए उस टॉपिक के बारे में, जो जानते हैं वही लिख दीजिए उसी टॉपिक से। अब मान लीजिए टॉपिक पर भी आप कुछ नहीं जानते तो आपको उसके बाद जाना है सिलेबस पर, चैप्टर पर, तो आपको चैप्टर पर जाना है, सिलेबस यानी चैप्टर पर जाना है आपको, उस टॉपिक का कौन सा चैप्टर है, तो उस चैप्टर में आपको जो याद है, उस चैप्टर में आपको जो याद है उसी वो आंसर में आप लिख दीजिए। अगर टॉपिक से कुछ याद नहीं है तो चैप्टर से कुछ अगर याद है तो वो लिख दीजिए, उससे भी याद नहीं है तो आप चले जाइए सब डायरेक्ट जो है सब्जेक्ट पर ही, और सब्जेक्ट पर ही जाइए तो आपको जो याद है वही लिख दीजिए, लेकिन छोड़ के बताइए।